Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. I hope you will be doing good at home and I hope you have done your written work. As you know that we have started a written work of unit number 1, chapter number 1. Now what we have to do, we have to do the exercise today. I hope apne copies mein pura apna kaam kar liya hoga, which already shown in the videos. So take out your books and page number 11. टेस्ट योर नॉलेज. नाउ वी आर गोइंग टू सी कि हमने जो ये यूनिट पढ़ा था उससे हमें कुछ नॉलेज मिली है कि नहीं. नाउ वी आर गोइंग टू सी द टेस्ट योर नॉलेज मैच विद द करेक्ट साइंस. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर कॉपीज. ठीक है, ये काम आपने कॉपी में करना है अपने, और उसमें आपने किस तरह करना है कि उसमें आपने मैचिंग नहीं करनी. नाउ व्हाट यू हैव टू डू दैट कि उसके सामने उसका आंसर राइट कर दें, और जो आंसर है ये आपने ब्लू मार्कर से राइट करना है. और जो ये सारी लाइन है द स्टडी ऑफ रॉक एंड अर्थ, ये जो पूरी लाइन है ये पूरी लाइन आपने इंक पेन से राइट करनी है, जो आप ब्लू इंक पेन इस्तेमाल करते हैं अपना. ठीक है, नाउ द स्टडी ऑफ रॉक एंड अर्थ. स्टडी ऑफ रॉक, पत्थर और ज़मीन की जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जियोलॉजी कहते हैं. द स्टडी ऑफ मूवमेंट, एनर्जी एंड मशीन. ठीक है, जो स्टडी होती है मूवमेंट की यानी हरकत की, एनर्जी ताकत की, और मशीन्स के बारे में जो पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं. द स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड हाउ टू चेंज देम. ठीक है, यानी केमिकल के बारे में पढ़ना और उसको हम चेंज कैसे करते हैं कर सकते हैं, तो वो हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं. द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स. ठीक है, जानदार चीज़ों के बारे में पढ़ने को हम बायोलॉजी कहते हैं. द स्टडी ऑफ स्टार्स, स्पेस एंड प्लैनेट्स. जो हम स्टडी करते हैं स्टार्स के बारे में, स्पेस यानी खला के बारे में, और उसके प्लैनेट्स जो हमारे पास मौजूद हैं उसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं. द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन विद इन इट. ठीक है, इन्वायरमेंट यानी इर्द गिर्द के माहौल के बारे में और उसके साथ ताल्लुक कैसा होता है उसको हम इकोलॉजी पढ़ते हैं. इकोलॉजी के अंदर उसमें हम स्टडी करते हैं. द स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की स्टडी को क्या कहते हैं, बॉटनी. स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की पढ़ाई को यानी कीड़े मकोड़ों की पढ़ाई को क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी. स्टडी ऑफ एनिमल, जानवरों की पढ़ाई को क्या कहते हैं, जूलॉजी. एंड द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स वो हैं जो मतलब गुजर चुके हैं. ठीक है, जो स्केलेटन्स वगैरह गुजर चुके हैं, जैसे कि डायनासोर हो गए, यानी पुराने जितने भी फॉसिल्स थे उनके बारे में, तो उनको हम पैलियोन्टोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. क्लियर, नाउ पेज नंबर 12. ब्रांचेस ऑफ अर्थ साइंस. ठीक है, ब्रांचेस ऑफ अर्थ साइंस के बारे में है. अब मैच द इवेंट टू द ब्रांच ऑफ अर्थ साइंस. ठीक है, हमने क्या करना है, इसमें भी मैचिंग करनी है, लेकिन मैच नहीं करी. मैंने आपको कहा है कि मैं डायरेक्ट इस ऑप्शंस में आंसर राइट करेंगे. अच्छा, ये वाला काम जो है ये आपने बुक पे करना है. सिर्फ जो आपका ए वाला वर्क था, टेस्ट योर नॉलेज का ए जो था, मैच विथ करेक्ट साइंस. ठीक है, ये वाला आपने कॉपी में करना है, और ये काम जो है बाकी आपका बुक पे ही होगा. डैश अ टोरंडो रोरिंग अक्रॉस कंट्री. ठीक है, एक टोरंडो जो है वो कंट्री के अक्रॉस हो रहा है, तो उसको किसके अंदर पढ़ते हैं, हम जियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. अ लैंडस्लाइड फॉलिंग डाउन अ हिल साइड. ठीक है, एक लैंडस्लाइड है और वो फॉल हो रही है किसके, हिल साइड से, तो उसको हम किस में पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं. वेव्स क्रैशिंग ऑन द बीच. वेव्स आ रही हैं बीच के ऊपर, वो किस में पढ़ते हैं, हम ओशियनोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं. अ मीट्रॉइड क्रैशिंग इन टू अर्थ. ठीक है, वो हम मेट्रोलॉजी में पढ़ते हैं. ठीक है, ये आंसर्स लिखे हुए, ये सारी ब्रांचेस सेम है, जस्ट आपने पुट करना है. सर्चिंग फॉर न्यू नेचुरल डिपॉजिट्स, इसका आंसर क्या हो गया, मेट्रोलॉजी के अंदर, यानी कि बी आपने राइट करना है. ट्राइंग टू डिस्कवर, कोई नई चीज़ें, कोई प्लानट आ रहे हैं, तो वो हम सी में पढ़ते हैं. इन्वेस्टिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, अगर क्लाइमेट का कोई चेंज आ रहा है तो वो हम किस में पढ़ते हैं, डी जियोलॉजी के अंदर. और ए ट्रैकिंग ओशन करंट्स, ओशन करंट्स अगर हमारे पास आ रहे हैं तो वो हम ए में पढ़ते हैं. अब सेपरेट इन एक्टिविटीज़ को कर देना है. अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास साइंटिस्ट एक्टिविटी लिखी हुई है और नीचे लिखा हुआ है उसकी ब्रांच, तो आपने सिर्फ मेंशन करना है कि कौन सा किधर आता है. अब इसमें यहाँ पे देख लीजिएगा,
ओशनोग्राफी, ये किस में आता है? मेट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड जियोलॉजी, ये किस किस में आता है? तो वो आपने सिर्फ यहाँ पे पुट करने हैं। अब यहाँ पे देख लें, डी डी क्या है यहाँ पे? स्टडी ऑफ ओशन एंड फ्लोर, तो वो इसमें आ गया। और एच क्या है? चार्ट द मूवमेंट ऑफ आइसबर्ग। नेक्स्ट में क्या आता है? ए मैप अर्थक्वेक्स, और ई आता है, ई में क्या है? मैक मेक ट्रोपोग्राफिक मैप्स, ठीक है। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी क्या है? बी बी आ गया, और जी आ गया हमारे पास, और लास्ट वन है सी एंड एफ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये आपका ये वर्क हो गया। नाउ